नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मौसम विभाग की तरफ से बहुत ही बड़ी चेतावनी निकल कर आ रही है। विभाग ने देश भर में अगले 48 घंटों तक हाई अलर्ट जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पूरे मौसम समाचार अपडेट की जानकारी मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मौसम विभाग की तरफ से क्या ताज़ा अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों, उससे पहले आपके लिए आज का सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए आज का सवाल है कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल जो है वो कहाँ पर स्थित है, फटाफट से अपना जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए और सही जवाब देने वाले को हमारी टीम की तरफ से एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट दिया जाएगा। तो दोस्तों, फटाफट से आप अपना जवाब जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो दोस्तों, मौसम विभाग की तरफ से मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, एमपी और राजस्थान में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई, वहीं कई राज्यों में बाढ़ से भी हाहाकार मचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई के लोगों को भारी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने पिछले हफ्ते मुंबई में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया था, जिसे अब ऑरेंज अलर्ट में बदल दिया गया है। विभाग ने ठाणे और पालनघर समेत कई इलाकों में जो है अगले 24 घंटों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा दिल्ली NCR के इलाकों में भी गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन, भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद, जबलपुर संभाग सहित कई स्थानों पर तेज बारिश का दौर जो जारी रहेगा। मौसम विभाग ने आज भी सूबे के 20 जिलों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तरी गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी से ज़्यादा भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। गुजरात में मछुआरों को जो है समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। जी हाँ दोस्तों, वही मौसम विभाग ने कहा है कि तथा मध्य राजस्थान और उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसमें मध्य और पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत के कई इलाकों में भारी से ज़्यादा भारी बारिश हो सकती है। विभाग के मुताबिक कोंकण, राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान बेहद ही भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया गया है। यही नहीं है, देश के पश्चिमी तटीय इलाकों में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया। जी हाँ दोस्तों, असम के बारापेट जिले में बाढ़ के कारण एक और व्यक्ति की मौत हो गई है, जिससे मरने वालों का आंकड़ा जो है बढ़कर 82 हो गया है। वहीं उत्तरी बिहार में भी बाढ़ से एक बार फिर कोहराम मचाना शुरू कर दिया। बाढ़ ने पूरे राज्य में करीब 85 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं और वहीं बिहार में बाढ़ से अब तक करीब 140 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में भी भारी बारिश से कोटा और बूंदी में बाढ़ के हालात बन गए हैं। इन इलाकों में 7 से 8 फीट पानी भर गया। वहीं जम्मू कश्मीर में भी तथा मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे कि आम लोगों का रास्ता रुक गए। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश में मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर रखा है ताकि पूरा देश जो है अलर्ट रहे, क्योंकि पूरे देश में बारिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। वहीं दोस्तों, अगले 24 घंटों की बात करें कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होगी, तो अगले 24 घंटों में कोंकण, गोवा, उत्तरी तटीय कर्नाटक, विदर्भ के कुछ हिस्सों में, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, वहीं एक दो स्थानों पर भयंकर से भयंकर बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं ज़्यादातर स्थानों पर जो है बारिश जो है वो मध्यम होगी। जी हाँ, इसी के साथ ही दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के उत्तरी जिलों व असम, मेघालय, नागालैंड के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही एक दो स्थानों पर जो है भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वहीं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में, बाकी छत्तीसगढ़, ओडिशा के कुछ हिस्सों में, तेलंगाना के पूर्वोत्तर भारत के सभी हिस्सों में, वहीं पश्चिम बंगाल और सिक्किम और महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में अलग अलग स्थानों पर जो है भयंकर से भयंकर बारिश का अनुमान लगाया गया है। यानी दोस्तों पूरे देश में जो है अगले 72 घंटों तक भयंकर बारिश का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों, आप ही हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप अपने गाँव, जिले या शहर का नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस मौसम समाचार अपडेट में बस इतना ही। वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद। अपना लाइक